सुनो सुनो सुनो, ये नौजवान का नाम कल्लू है। इंसान की तरह हट्टा कट्टा, निकम्मा, बेरोजगार, माँ बाप पर बोझ, किसी खाते पीते घर का जवाई बनना चाहता है। कुत्ते की तरह वफादार, बैल की तरह मेहनती, गधे की तरह जो बोले वो सुनेगा। कोई ख्वाहिशमंद इसे अगर अपना जवाई बनाना चाहता है तो घर बुला कर बात कर सकता है। सुनो सुनो सुनो, ये नौजवान का नाम कल्लू है। इंसान की तरह हट्टा कट्टा, निकम्मा, बेरोजगार। अरे जानी, ओ जानी, क्या है? अरे अरे, जरा तमीज से मियां, आखिर मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे नौकर हो। अजी, 6 महीने से तनख्वाह नहीं दिए, मालिक कहते मालिक। अरे हाओ बाबा, दे देंगे। कब? अजी कब देंगे, उल्टा थोड़े थोड़े करके मेरे से 3,000 ले लिए। हाओ बाबा हाओ, बोलो काय को बोले तो। शेर जब दलदल में रहता ना तो कोले भी मुँह चिढ़ाते। अरे बाबा, ये लॉकडाउन ने सारे कारोबार का सतरुल कर दिया। देख, अरे सोचा था इस शहर में आके फिल्मों में काम करूंगा, अब तक तो कुछ बना नहीं, बन गया तुम्हारा नौकर, वो भी फुकट का। अरे हाओ बाबा, देखो बाबा, तुमको एक्टिंग का शौक है ना, तो ऐसा समझो तुम मंदिर लाके खरीब आ गए। देखो इधर आओ। सुनो सुनो सुनो, ये नौजवान का नाम कल्लू है। देख रहा उसको तरह हट्टा कट्टा, देख रहा भिखारी है वो, माँ बाप अब क्या उसकी रोटी छीन कर खाते है। ए, मार के पेट फोड़ डालता हूँ, उन्हें भिखारी नहीं है, है? की तरह मेहनती, गधे की तरह जो भिखारी नहीं है तो फिर कौन है? तो फिर कौन है बाबा? इनने कौन से एंगल से, कौन से कोने से तेरे को भिखारी लग रहा है? आयुष्मान, इसे अगर अपना जवाई बनाना चाहता है तो घर बुला कर बात कर सकता है। अरे हौले, इन्हें बकरा है, अपने खुर में छुरी लेकर खुद दुबा होने को आया है। नहीं समझ में आ रहा ना बाबा? नहीं समझ सकते तुम, कहां से समझेंगे? इसलिए मैं मालिक हूं, तुम नौकर हो। अच्छा बाबा, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ रहना भी चाहते और काम भी नहीं करना चाहते ना? ऐसा हो सकता ना? हाँ बिल्कुल हो सकता बाबा, उसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ सब वो करो। मालिक, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओह नो। अरे हौले, शर्मा रहा कहीं को, एक्टिंग करना है तो एक्टिंग करने आया ना, देखते कितना बड़ा एक्टर है तू। सुनो सुनो सुनो, ये नौजवान का नाम कल्लू है। इंसान की तरह हट्टा कट्टा, निकम्मा, बेरोजगार, माँ बाप पर बोझ, किसी खाते पीते घर का जवाई बनना चाहता है। कुत्ते की तरह वफादार, बैल की तरह मेहनती, गधे की तरह कुछ बोल रहा हूं मैं, वो सुनेगा। इधर आ। कोई ख्वाहिशमंद इसे अगर अपना जवाई बना, क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे बोले तो क्या मियां, तुम घर दामाद बनने आए ना, क्या भीख मांगने को आए? ओह नो। चाचा, आप पहले इंसान है, कसम से चाचा सही पहचाने आप मेरे को। सुबह से जो भी बुला रहा भीख देने बुला रहा, आखिर मैं भी क्या करता, जमा कर लिया मैं। हाँ तो बराबर है ना मियाँ, आजकल भीख मांगने वाले इसी तरीके से आ रहे हैं। आओ अंदर आओ। आओ मियाँ आओ, शर्मो ना को, आओ बैठो, इसको अपने घर समझो। अपना ही घर समझो बोले तुम यहाँ क्या? अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। अरे ये क्या बात हुई कहते मियाँ? बाबा अभी कोई बात न थी, जो ऐसा तुमने अभी लड़की नहीं देखे, मरना यहाँ जीना यहाँ कहते। ठहरो, मैं हमारी बेगम हया को बुलाता हूँ। हमारे बेगम हया।
क्या जी ये उत्पल बोधर को दिख रहा, इसके गले में पट्टा डालना पड़ेगा। नए फकीर को भीखी जल्दी क्या दबके मर जाते। ये लड़की नहीं, लड़की की अम्मा ही नो। मेरे को लगा तुम ट्रक का लोड रक्षे में डाल रहे बोल के, लेकिन मैंने बाद में सोचा जान दो जो नसीब में आया वही मिलता। बाबा ये बोझ हमारी खिदमत में था। फिर वो बोझ कहाँ है जिसे मुझे उठाना है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि तुम हम पे बोझ बनने वाले हो। तुम लोग भी मुझे बोझ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा नाम कलीम से बदलकर कल्लू हुआ, अब कल्लू से बदलकर बोझ रख लूं। माँ बाप भी बोझ बोलकर पाल रहे थे, यहाँ भी बोझ। हमारे बोझ मेरा मतलब है हमारे बाबा। आपका इसमें ग्रामी क्या है? इसमें जमा की हुआ खाना, जेब में पैसे और दिन भर की जीवी का अन्न का लिया, और क्या चाहिए। अरे 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 क्या जाहिलों से पाला पड़ा। अरे बाबा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है आपका नाम क्या है। इसका नाम कल्लू है। ए, फेंको जिसको। ऐसे कैसे फेंक दूं? अगर ये ना होता तो मैं आपके पास ना होता। हमारे हया, ओ हया। क्या है? ए, वो लड़की की अम्मा है। वही सोच रहा हूँ, चांद ऐसा है तो चांद का टुकड़ा कैसा लाजवाब होगा। क्या मतलब? सच्ची बोल रहे, ये आपकी बीवी है। अरे हाओ बाबा, इन्हों हमारे शरीके हयात है। वही बोला मैं, तुम इनको बीवी कैसा बोल रहे। अबे ओ शरीके यार, बीवी कुछ बोलते। ऐसा है तो आपने एक बच्ची की जिंदगी खराब कर दी है। आपकी उम्र देखो, उनकी उम्र देखो, आप एक फुटल गोटी और वो अभी अभी ढाई में चलते। ए, चलो जी तुम अंदर जाओ। क्या मियाँ, आते ही मेरे निकाह पे हमला कर दे रहे। अरे ये मेरी बीवी मेरी आंखों की ठंडक है। तो मेरी आंखों की ठंडक कहाँ है? हाँ मियाँ, मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ। बच्ची कॉलेज को गई हुई है, शाम को ऐसो देख लेना। अभी चलो हम बाजार जाके सामान ला लेते। अजी सुनो, वो हमल को बुलाया है ना, उसे आने दो। अजी ठहरो, हमाल की क्या जरूरत है, हट्टा कट्टा बैल की तरह है। चलो मियाँ।